गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ है किस अर्थ आओ समझो जिससे ये व्यर्थ ना हो। जी हाँ बिल्कुल, समझो जिससे ये व्यर्थ ना हो, और मन को निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद अगर आप जितने ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे आपके काम उतने ज़्यादा आसान हो जाएंगे, और कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स बहुत हैरान परेशान होते हैं कि मैथ नहीं आती, मैथ नहीं आती, मैथ क्या बहुत बड़ा कोई शेर थोड़ी है खा जाएगा। कोशिश करने से सब कुछ होता है, आप जानते हैं, कोशिश करने से बार बार रस्सी आने से पत्थर कट जाता है, आपने पढ़ा होगा कविताएँ में लिखा है ना, रियल में आप आजमा भी सकते हो। तो बार बार निरंतर प्रयास करने से बड़ी बड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो फिर ये तो आसान है ही। चलिए देखते हैं, कक्षा 8 की NCERT मैथ एक्सरसाइज 3.1 है, और इसमें हम लोग सीखेंगे आज चतुर्भुज के बारे में कुछ विशेष बातें। आपने देखा होगा कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है आकृतियों की संख्या बताइए, त्रिभुजों की संख्या बताइए, आता है ना, तो यहीं से शुरुआत होती है मेरे साथियों। यहाँ से कहाँ से, यहाँ से इसमें क्या करना है, कह रहा कि तालिका की जाँच कीजिए। तालिका मतलब ये जो सारणी बनी है, प्रत्येक आकृति को त्रिभुज में बांटिए और कोणों का योगफल बताइए। मतलब जैसे इसमें एक तो त्रिभुज ऑलरेडी दिया है, जो ये त्रिभुज नहीं दिए हैं इन सभी को त्रिभुज में बांटिए, देखिए कितने त्रिभुज बनते हैं, और उसके बाद त्रिभुजों का योगफल बताइए, मतलब कोणों का योगफल बताइए। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि किसी भी बहुभुज के कोणों का जो योगफल होता है उसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम आपको बताएंगे, ध्यान देना। लेकिन पहले आपको आकृतियों की संख्या मालूम होना चाहिए। इधर साइड दिख रहा है ना, यहाँ पर लिख लो बहुभुज में कोणों की संख्या, ऐसे लिखिए बहुभुज में, कोणों का योग, संख्या नहीं, कोणों का योग इक्वल होता है n-2 × 180। ये सूत्र होता है जहाँ n बराबर क्या है, कोणों, वो त्रिभुजों की संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या, मतलब माफ़ करिएगा, ये भुजाओं की संख्या है। तो अभी तो हमें यही नहीं पता कि कितने त्रिभुज हैं इसमें, चलिए उसको भी पता कर लेते हैं। बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस समझने की कोशिश करना, थोड़ा क्वालिटी चेंज करके देखोगे तो HD क्वालिटी दिख रहा है, थोड़ा कलर हल्का होगा तो मैं गाढ़ा कर ले रहा हूँ। इसमें तो एक ही त्रिभुज है और कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, यानी कि आप कंफर्म कर सकते हो कि इसमें त्रिभुज कितना है, एक ही त्रिभुज है। यहाँ पर इसका टाइटल लिख दो, और इधर क्या हो जाएगा, यन मतलब जानते हो, अभी देखना, इधर साइड में भुजाओं का योग, भुजाओं नहीं मतलब भुजाओं के कोणों का योग, क्या पूछा है, कोणों का योगफल ना, यहाँ पे लिख लो पहले तब समझ में आता है, कोणों का योगफल। देखिए आप समझने की कोशिश करना, एक एक आकृति को हम सेट करते हैं, इसमें कितनी भुजाएं हैं जरा गिन लो, त्रिभुज में 1, 2, 3, तीन भुजा है ना ये, 1, 2, 3, तो भुजा कितनी है 3, मतलब n का मान 3 है। सूत्र लगा दीजिए n-2 × 180, ये फार्मूला होता है साथियों। यन का मान जब 3 रखोगे, इसमें से 2 घटाओगे तो 1 आएगा ना, कितना आएगा, 1 आएगा, 1 का 180 में गुणा करोगे, कुल मिला करके 180 आएगा, यानी कि इस आकृति का जो कोणों का योगफल आएगा वो क्या आएगा, 180 अंश आएगा। वैसे भी आप जानते हो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, ये बात पक्की, डन। आगे इसको त्रिभुज में बांटिए, पहले कहा था ये त्रिभुज में बांटने के लिए हम इसको ऐसे मिला देंगे, ये कितना त्रिभुज बन रहा है, 2 त्रिभुज बन रहा है ना, आप जानते हो कि अगर 2 त्रिभुज बन रहा है लेकिन इसमें भुजाएं कितनी हैं, ऐसा नहीं कि 2 त्रिभुज है तो 6 भुजा हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक त्रिभुज में 3 भुजा थी ना, होगी क्यों, क्योंकि इसमें जो एक भुजा है बीच वाली दोनों में कॉमन है, इसके लिए भी यूज हो रही, उसके लिए भी यूज हो रही है, एक ही से दोनों का काम चल रहा है, इस कारण से 2 भुजाएं कम हो जाएंगी, है ना। तो गिन लो कितनी है, ये देखो एक बीच वाली हो गई एक, ये 2, 3, 4, 5, 4, 5 भुजा होगी कि 4 होगी यार, 4 ही भुजा तो होगी, मतलब आकृति में कितनी
मतलब भुजाएं हैं, सॉरी आकृति में कितनी भुजाएं हैं, जो हम बांट रहे हैं वो भुजा नहीं गिनेंगे, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक ना। तो देखो एक दो तीन चार, ये बीच वाला इससे नहीं मतलब, चार। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर चार रखोगे, इसका जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस टू इंटू 180। इस तरह से आपका कितना हो जाएगा, सोच के देखो, n का मान जब चार रखोगे साथियों इसमें तो कितना हो जाएगा मालूम है आपको? अरे जी घटा लोगे चार में से दो तो दो हो जाएगा, दो गुणा 180 करके देख लेना, 360 आएगा। अगले में चलते हैं, इसमें देखिए, इसमें देखो आपको बांटना है, त्रिभुज में बांटना है, कितने त्रिभुज बनेंगे सोच के देखो, कितने बन सकते हैं। अच्छा देखिए इसमें हम एक काम कर सकते हैं, वो क्या, यहाँ से हम इसको ऐसे मिला दें और यहाँ से इसको ऐसे मिला दें, इसमें कोई बुराई तो नहीं ना, कोई भी लाइन एक दूसरे को नहीं काटनी चाहिए, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। ये मत करना कि नहीं इसको भी ऐसे मिला दो, ये लो ये भी मिल गया तो गड़बड़ हो गया, ये फिर कटना नहीं चाहिए बीच में कहीं भी। तो ये देखो इसको नहीं मिलाएंगे, बस यही मिलेगा इतना। कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, आप गिन लो, एक दो तीन, कितने बन रहे हैं, तीन बन रहे हैं। लेकिन इसमें आप देखो कि इसमें कितनी भुजाएं थी, भुजाएं कितनी थी, गिन लो, एक दो तीन चार पाँच, पाँच भुजा थी। यानी कि यहाँ पर आप रखोगे n माइनस टू इंटू 180 फार्मूला है, जब n की जगह पर पाँच रखोगे, पाँच में से दो घटा लोगे तो क्या आएगा, तीन, यानी कि तीन गुणा 180 इसका क्या आएगा, कोणों का योगफल आएगा। इसी तरह से अगले में चलते हैं, इसमें इसको आप यहाँ मिला लोगे, एक त्रिभुज हो गया, इसको यहाँ मिला लोगे ये दो त्रिभुज हो गया, इसको यहाँ मिला लोगे ये तीन त्रिभुज हो गया। बोलो कितने हो गए, तीन नहीं हुआ और हो गया, एक दो तीन चार त्रिभुज हो गया। लेकिन इसमें भुजाएं कितनी थी, भुजाएं गिन लो आप, छः भुजाएं थी, ये एक दो तीन चार पाँच छः, तो रख दो इसमें n माइनस टू इंटू 180 फार्मूला हो गया। जब छः रखोगे n की जगह पर दो घटा लोगे तो चार, और चार गुणा 180। साथियों आपको बता दें आपकी जीरो लेवल की जो नई बैच चल रही थी ना, के वैसे ही चले 7 बजे, कितना बजे से, शाम को 7:30 बजे से हम आपको दिखाएंगे, उसे आप ज़रूर देखना लाइव वाली, लाइव में बहुत सारी बातचीत होती है ना, तो वो सब क्लास जो होगी आपको बता दें कि जितना स्टडी मटेरियल आप ये वीडियो में देखेंगे सुबह 5 बजे वाली में ना, 15 मिनट में जितना देखेंगे उतना उस लाइव क्लास में 1 घंटे में पढ़ेंगे। क्यों, चार गुना ज़्यादा टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि आप लोगों के नाम बोलेंगे, फलाने फलाने जुड़े हैं भाई और कैसे हो, हालचाल ठीक है, और ये सब बातें होंगी ना उसी में प्यारी प्यारी बीच बीच में, तो टाइम तो लगेगा ही, लेकिन उसमें आपको जो फीलिंग होगी पढ़ने की ना वो ऑफलाइन वाली होगी। आप कोई क्वेश्चन बोलोगे, हम आपका नाम बोलेंगे और फिर आपका सलूशन मिलेगा, डाउट क्लियरिंग भी होगा और पढ़ाई भी होगी, तो उसकी मज़ा ही कुछ और होता है। देखना शाम को 7:30 बजे से हमारी आज ही की डेट से शुरू, 5 दिसंबर से, अगर कुछ गड़बड़ ना हुआ तो शुरू हो जाएगा 5 दिसंबर से। साथियों इसमें अभी तक ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा थी, अब आप अपने विचारों को बताइएगा कि अब ज़्यादा अच्छा है क्या मतलब ज़्यादा चमक थी तो ज़्यादा सही था कि अब सही है, बताना, कोशिश करना, ठीक ना, कोशिश करके देखना बताना। चलिए समबहुभुज क्या होता है, एक समबहुभुज का नाम बताइए और क्या करिए, किस प्रकार का बहुभुज होना चाहिए वो, जिसमें तीन भुजाएं हो और जिसमें चार भुजाएं हो तथा जिसमें छह भुजाएं हो। देखिए साथियों समबहुभुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण बराबर होते हैं, वो समबहुभुज कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम आपको बताएं तो आप एक स्क्वायर ले सकते हो, स्क्वायर मीन्स जानते हो ना वर्ग, ये एक समबहुभुज का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग में, आपने सुना ना स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होते हैं, और क्या होता है इसके आल जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, मतलब 90 का होता है ना, तो इस प्रकार से ये क्या है, एक समबहुभुज है, इसका एक एग्जाम्पल भी हो गया। क्योंकि कहा था कि इसका एग्जाम्पल भी बताइए ना, ये एक समबहुभुज का नाम बताइए, लिख लीजिए, एक समबहुभुज वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। हाँ पहला कंडीशन के लिए
जो कह रहा था तीन भुजाओं वाला एक सम बहुभुज बताइए ना, तो इसका पहले का आंसर लिख लेना, समबाहु त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। और तीसरा लिखना, देखो इसमें पहले का मैंने बता दिया ये समबाहु त्रिभुज, और ये तीसरे का छः भुजाओं सॉरी ये दूसरे का चार भुजाओं वाला आपके सामने है वर्ग, ठीक, मतलब ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा कह रहा कि छः भुजाओं वाला एक सम बहुभुज बताओ जो छः भुजाओं वाला हो, वो होता है समखष्टभुज जिसमें छः भुजाएं होती है, ऐसे कुछ होता है ना, ये क्या पढ़ते हैं इसको बताना। तो ये हो गए आपके तीनों, ठीक ना, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए कमेंट करके जल्दी से। ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर है 5, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, नोट कर लीजिए। अगला चलते हैं इसमें का छठा सवाल साथियों, बहुत ही आसान है। निम्नलिखित आकृतियों में यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। छठा क्वेश्चन आप अपनी किताब से जल्दी से उतारो, ये कक्षा 8 की NCERT मैथ है, याद रखना। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तब भी आप वहाँ से देख सकते हो इसको। और हाँ, जो छात्र अभी अभी जुड़े हैं आज पहली बार, वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, PBR स्टडी ग्रुप चैनल पर देख रहे हैं तो उसको भी सब्सक्राइब करें, PBR स्टडी इलाहाबाद, मैथ आसान है, कोई भी चैनल जहाँ भी आप देख रहे हो जल्दी से सब्सक्राइब करो तुरंत, क्योंकि अगली क्लास आपकी तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके रखोगे। इंक्वायरी के लिए ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, लेकिन याद रहे व्हाट्सएप पर कोई भी क्लास नहीं भेजी जाती है, व्हाट्सएप पर जो क्लास चाहते हैं उनको पेमेंट करना होता है, और आप फ्री वाला देखना चाहते हो तो यहीं यूट्यूब पे देखते रहो बस। चलिए, निम्नलिखित सवाल नोट करिए साथ साथ में, निम्नलिखित है फोन साइलेंट कर लीजिए अपना आप, ठीक ना, आकृतियों में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, कुछ ऐसे भी प्राणी यहाँ पर रहते हैं जिनका उद्देश्य वही एकमात्र रहता है कि किसी तरह से डिस्टर्ब करते रहो, चाहे वो कोई भी वजह हो, चाहे जो भी तरह हो, लेकिन डिस्टर्ब करते रहो बस। चलिए तो फिगर बनाते हैं, पहला वाला ए नंबर, इसको आप लोग बना लो जल्दी से। ये इसमें क्या करना है साथियों, यक्ष का मान बताना है, और यक्ष जो कोण है ना वो यहाँ पे बन रहा है, और ये बन रहा है 130, और ये बन रहा है 120, और ये बन रहा है 5050। इसमें यक्ष का मान बताना है। आप जानते हो कि ये क्या है, एक चतुर्भुज है ना, एक चतुर्भुज है, और आप सभी को पता है चूँकि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, जल्दी कमेंट करके बताओ। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है ना, इसमें कोई लफड़ा तो नहीं ना, इसलिए चारों कोण जोड़ देते हैं, चलो यक्ष से लेकर के 120 कोण, 130 कोण, 50 इक्वल 360। अब देखो हिसाब बराबर हो रहा है, यहाँ से जोड़ घटा करके मान निकाल लो फटाफट, जो आएगा आपको उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से कोण यक्ष जोड़ोगे इन दोनों को 250 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे 300 हो जाएगा, कुल मिला करके फाइनल में कितने हो जाएंगे सब जुड़ के, 300 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 300 इक्वल 360, यानी कि कोण यक्ष बराबर आपका हो जाएगा 360 माइनस 300, तो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा ना, ये देखो कोण यक्ष का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। तो साथियों ये बहुत ही आसान होता है, अगला होता है, लेकिन हाँ इसके लिए आपको पूरी क्लास देखना होगा, समझना होगा अच्छे से। और ये क्लास नंबर कौन सी थी, मैंने नहीं लिखा था क्या, शायद तो लिखा था ना अभी, ये क्लास नंबर थी प्रिय साथियों, आप लोगों ने देख लिया होगा यार, मैंने कहीं लिखा था
54, ये पार्ट नंबर 54 था कक्षा 8 की मैथ का। बस एक ही दो तीन क्लास और चलेंगी, कक्षा 8 की मैथ लगभग ख़त्म हो चुकी है, कुछ बातें बची हैं और कुछ बातें हो चुकी हैं पूरी, है ना, कुछ बातें हो चुकी हैं ना, कुछ बातें अभी हैं बाकी। तो आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। चलिए कमेंट करके बताइएगा फिलहाल, और आज शाम को हमारी कोशिश होगी 5 दिसंबर को 7:30 बजे से लाइव होगा, आप सभी जुड़िएगा फ्री होके। और हाँ एक बात और कमेंट करके बताइएगा कि शाम 7:30 बजे से ठीक रहेगा ना। हमने कम्युनिटी टैब में वोट डलवाए थे आप लोगों से, आप देखते होंगे अक्सर हम क्वेश्चन डालते रहते हैं बेवकूफ़ी भरा, आप कितना टाइम पर क्लास देखना चाहोगे, ऑप्शन होता है 7:30 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग देख के हटा देते हैं, लेकिन आप जानते हो करना बहुत समझदारी वाली बात होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री बनाना हो, प्रधान बनाना हो, विधायक या सांसद या फिर इस क्लास का, क्योंकि अगर आप वोट नहीं करेंगे मतलब आप नहीं ट्राई करेंगे, जो लोग हैं जिनकी गलत पसंद है उन लोगों की अधिकता अधिक हो जाएगी, बहुमत उनकी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर उनकी जीत हो जाएगी, फिर आप देखते रह जाओगे, इसलिए वोट करना ज़रूरी होता है। जैसे मानते हैं कि आप सभी नेतागिरी वाली बात छोड़ दीजिए, राजनीति वाली क्लास में आ जाइए। तो हमने आपको 4 ऑप्शन दिए था कि 7:30 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 6 बजे, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो देख के हटा दिए भाई, कुछ नहीं वोट करे, कोई रिएक्ट नहीं करे, लेकिन जिनको नहीं पढ़ना वैसे झूठा ही टिक मार दिए वो, और इस तरह से ज़्यादा लोगों ने कर दिया, तो जिस टाइम पर लोग कर देंगे उसी टाइम पर क्लास हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग अपने विचारों को शेयर करें, किसी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप हमें दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच फ़ोन कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, और अगर दूसरे टाइम पे करेंगे तो हो सकता है आपकी कॉल ना रिसीव हो, तो आपको बाद में संपर्क किया जाएगा। और इसके अलावा आप ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी है pvrstudy@gmail.com। और ज़्यादा जानकारी के लिए, करंट अफेयर एंड अन्य फाइल के लिए आप विजिट करना ना भूलें pvrstudy.com। और साथियों आपका pvrstudy का ऐप्स भी नए साल में आ रहा, हमारी यही कोशिश है कि नए साल में pvrstudy का ऐप्स भी लॉन्च हो जाएगा, फिर आप उसे अपने मोबाइल फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में रख पाएंगे, और उसमें बहुत सारे फीचर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट करके बताना, और हाँ अगर आप इसे सुबह देख रहे हो 5 बजे से, तो अभी 6 बजे से भी क्लास होगी DLED का 3rd semester। देखिए साथियों DLED का क्लास नाम मात्र का DLED होता है, बाकी जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो सब के लिए होता है। जैसे अभी कल हमने पढ़ा था DLED में लॉग, लॉग अर्थिंग पढ़ा था, अगर आप 11th में पढ़ रहे हो उसमें भी लॉग होता है, रूल वही रहेगा, लॉग m इंटू n इक्वल क्या होता है, क्या होता है, लॉग m की पावर n ना, ऐसे ही कुछ आपने देखा था कि नहीं, ये m की पावर n वाला है ना। तो कुल मिला करके ये जान लो कि जो रूल उसमें होगा वही रूल आपके 12th में भी आएगा, वही आपके SSC में भी आएगा, मतलब हर जगह वही एक ही समान रहेगा, कहीं बदलेगा नहीं। तो आप कोशिश करिए, देखिए, समझिए और हर क्लास को देखिए। इसके बाद अगली क्लास आपकी 6:30 बजे से होगी, जिसमें आप 1st semester पढ़ोगे DLED का, BTC 1st semester होगा। और साथियों BTC 1st semester में आज जो आपकी क्लास होगी ना उसमें क्या पढ़ोगे पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे BGA व्यंजक में, लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक एंड अनलाइक टर्म जानते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया ये 2PQ और PQ और ये 19PQ, तो ये क्या है, ये लाइक टर्म्स हैं, सजातीय पद हैं, जिसमें बीजगणितीय गुणनखंड एक समान होते हैं वो सजातीय पद कहलाते हैं। तो 6:30 बजे से इसको जरूर देखना। इसके बाद 7 बजे से आपकी होगी सोनू सर की क्लास स्पेशल साइंस की, जिसमें आप डीपली पढ़ेंगे साइंस। 7:30 बजे से आप करंट अफेयर देखेंगे, और 8 बजे से आप देखेंगे कक्षा 10 की NCERT मैथ। तो ये आपकी सभी फ्री क्लास का शेड्यूल है, जो क्लासें आपकी फ्री होती हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी क्लास होती है। अगर आप चाहते हो VIP सुविधा, जैसे WhatsApp पे आपको सारी क्लास दे दिया जाए, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आप पूछ सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो, कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट बेसिक मैथ आप मात्र 30 दिन में सीख सकते हो। इसके लिए आपको नाम मात्र का कुछ शुल्क पेमेंट करना होता है, जो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, मतलब
जो भी तरीका आपके पास है, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, कहीं से भी कर सकते हो। इसके लिए आप इस पे फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम से कहीं से भी पेमेंट इस नंबर पर कर सकते हो साथियों, लेकिन हाँ पेटीएम से इस पे मत करना, फ़ोनपे और गूगल पे से। कंप्लीट कक्षा 8 तक की एनसीईआरटी मैथ के लिए आपका ज्वाइनिंग शुल्क अगर आप आज 5 दिसंबर में कर देते हैं तो पुराने रेट पर हो जाएगा। जैसे आप जानते हो डेटा का चार्ज बढ़ गया इंडिया में, पूरे भारत में, तो आप लोगों को 1 GB रिचार्ज करना होता है, बड़ा मुश्किल लग रही है ना, और हमें 15 GB यूज करना होता डेली 10 GB, तो कैसे होगा, मुश्किल होगी ना। तो ये आपका जो 549 रुपये का प्लान है, अब ये 0 लेवल कक्षा 8 के लिए, अब ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी ये मान लीजिए कि 800 रुपये हो जाएगा। कितना रुपया? 800 रुपये। जिनको भी करना है कक्षा 8 तक की क्लास करना है तो 800 रुपये जमा करना है, ठीक ना, है ना, बहुत आसान, सस्ता सा है ना, अभी भी सस्ता, तब भी तो आप लोग कर सकते हैं। और अगर कोई सवाल है और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, बेस्त रहें, मस्त रहें, देखते और दिखाते रहें आपका अपना PVR स्टडी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद। और हाँ, इसको जाते जाते हमारी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है, स्वीकार करिएगा इसे, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप हर दिन क्लास चाहते हैं तो इतना ज़रूर करना, आपके व्हाट्सएप में जितना भी ग्रुप होगा भेजना ज़रूर। आज पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब हो सकता है हर दिन करूँ, ठीक ना, तो भेजना ज़रूर।